अल्पावधीत दुप्पट दाम दुप्पट करून देणाऱ्या कंपन्यांच्या आमिषाला अनेक जण भूलतात. यावेळी या कंपन्यांच्या आमिषाला भूललाय तो म्हणजे अभिनेता अक्षय खन्ना. त्यालाही हा मोह आवरता आलेला नाही आहे. अशाच एका प्रकरणात त्याला तब्बल 50 लाखांना फसवण्यात आलंय. इंटॅक इमिजिएट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे अध्यक्ष सत्यव्रत चक्रवर्ती यानं वायदा बाजारात पैसे गुंतवल्यास अल्पावधीत ते दुप्पट होतील असं आमिष अक्षय खन्नाला दाखवलं. त्याला बोलून अक्षय खन्नानं 2010 या कंपनीत 50 लाख रुपये गुंतवले होते. मात्र दाम दुप्पट सोडाच मूळ रक्कमही परत न मिळाल्यानं आपली फसगत झाल्याचं अक्षयच्या लक्षात आलं. अक्षय खन्ना यानं चक्रवर्ती यांच्या विरोधात आता फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. एक महीने पहले श्री अक्षय खन्ना ने EOW मुंबई पुलिस में एक कंप्लेंट दाखिल की है कि उन्होंने करीब 50 लाख रुपए की एक इन्वेस्टमेंट अपने एक पहचान वाले के कहने पे की थी, जिनके बारे में उनको बताया गया था कि उनको एक अच्छी रिटर्न दी जाएगी. उन्होंने चेक से पेमेंट की थी और उसके बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको चीट किया गया है. EOW मुंबई ने इस केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की थी और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के दरमियान ये पाया गया कि उनकी कंप्लेन बिल्कुल ही जेन्युइन है और उनकी कंप्लेन के बुनियाद पे कल के दिन हम लोगों ने FIR दर्ज किया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है. ZEE24TAAS एक पाउल पुढ़े.